अस्सलाम वालेकुम सर शाहिद, आपकी खिदमत में हाजिर है और फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड और चाहे तो सिंध बोर्ड वाले भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4 था और यही वजह है कि आजकल लॉन्ग के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है और इसमें सॉल्व द इक्वेशन है और ये क्वेश्चन में एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दो क्वेश्चन है, नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे हैं और हम बात कर रहे हैं नंबर 4 पे और कई बार ये पेपर में आ चुका है, कभी 3 आता है कभी 4 आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने का रुझान हमारे सिंध बोर्ड में पाया जाता है और इसी का ही हम फायदा लेते हुए इस क्वेश्चन को आपकी खिदमत में एक्सप्लेन कर रहे हैं और ताकि आपको करना आ जाए। इसमें हमें करना क्या होता है कि एक्स और वाई का आंसर लाना होता है जिसे हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। सबसे पहले हम करते ही है कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई की एक लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल्स दी है और ये एलसीएम फॉर्म में 2 वेरिएबल्स दी हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को 1 कहना है, इसको 2 कहना है और यहां से भी एक्स की इक्वेशन या वाई की बना सकते हैं, लेकिन अपॉन में एक्स और वाई होना हमें एक थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। इसी वजह से ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम इक्वेशन नंबर 2 को एलसीएम फॉर्म में लेते हुए इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दें। तो यहाँ पे इन दोनों का एक्स वाई का एलसीएम हमने लिया और नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे हैं और एलसीएम लेने के बाद एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर एक्स वाई 2 के पास और यहां से अगर हमारा माइंड एक्स की इक्वेशन बनानी है या वाई की, जैसे हमने माइंड बनाया एक्स का और 3y को हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे ले गए और ये एक्स वाई ऑलरेडी पहले ही 2 से मल्टीप्लाई होके हमने दिखा दिया। अब इन दोनों में एक्स भी है और वाई भी दोनों मौजूद है, लेकिन वाई दोनों टर्म में मौजूद है तो हम वाई कॉमन ले लेंगे और कभी ये भी हो सकता है कि आप एक्स कॉमन लें अगर वाई की इक्वेशन बनाए। यहाँ पे वाई कॉमन आ रहा है और कॉन्स्टेंट कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 2x-3 आ चुका है और वाई की इक्वेशन कैसे बनेगी, वाई को यहाँ पे हमने रोक लिया और ये अपॉन में चले गया और लिखते हुए लेफ्ट राइट और राइट को लेफ्ट बनाने के बाद नंबर 3 बना दिया और 3 इक्वेशन हमारी जो है वो वाई की बन गई है और पुट वैल्यू ऑफ वाई इन जो हमारी इक्वेशन रह गई थी, यानी कि नंबर 2 से तो हमने नंबर 3 बना लिया। और कई बच्चे ये भी मिस्टेक कर रहते हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता कि नंबर 2 से आपने 3 बनाई और 3 की वैल्यू नंबर 2 में ही रख दी, तो ऐसा अगर करेंगे तो आपको एक पते की बात बताता हूँ कि आपके पास एक्स या वाई जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वो खुद ही 0 हो जाएगा, यानी कि वाई से वाई कट के सिर्फ कॉन्स्टेंट नंबर आपको नजर आ रहा होगा। अगर ऐसा नजर आए तो समझ जाए कि आपने कोई गलत हरकत कर दी है इसके अंदर और गलत हरकत का नतीजा वाई का गायब हो जाना, ये आपको एक पते की बात बता रहा हूँ। लिहाजा यहाँ पे अगर नंबर 2 से 3 बन रही है तो जो आपकी इक्वेशन बाकी बच जाएगी उसमें आपने ये नंबर 3 वाली इक्वेशन रखनी है और y की जब वैल्यू इसके अंदर रखेंगे हम तो x प्लस y है, लेकिन अब यहाँ पे x तो आया लेकिन प्लस y की जगह हमने y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, फिर हमने इसका एलसीएम लिया है और एलसीएम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे चूंकि अपॉन में 1 था तो x को इससे मल्टीप्लाई करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों सेम होने के बाद 2x ऊपर का सेम आ गया, इस 5 के पास इस ब्रैकेट को लाके मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पे x और ये 2x मल्टीप्लाई हुआ, फिर x 3 से माइनस के साथ मल्टीप्लाई होते हुए ये आ चुका है हमारे पास और यहाँ पे जो 5 था इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 × 2 = 10 इधर आके -10 और 5 × 3 = 15 इधर आके प्लस का 15 हो गया और ये दोनों नंबर ऑलरेडी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हमें मिल रहे थे, इसको मल्टीप्लाई करते हुए और एक्स स्क्वायर 2 है और एक्स 2 जगह मौजूद है और इन दोनों को हमने डिफरेंस लेके -1 लिख लिया था
और जो 10 यहाँ से इधर मूव हुआ है तो -11 हो गया, 15 है। अब इन दोनों से हमने मिडल ड्रम ब्रेक की है, 15 2 30 बनता है और 36 5 30 होता है, तो 6 और 5 दोनों को हमने नेगेटिव में रखा ताकि ऐड करके ये बन जाए। और उसके बाद हमने इन दोनों में से 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x-3 आ गया, इन दोनों में -5 कॉमन लिया तो x-3 आ गया, और दोनों टर्म में से x-3 ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद 2x-5 आ चुका है। और फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाली जो कि 3 और 5/2 आई, और ये वाली इक्वेशन वेट कर रही है, इंतजार कर रही है कि x का आंसर आए, तो यहाँ रखने के बाद y भी फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास x 2 आए तो y भी 2 आएंगे, तो इस x की वैल्यू 3 हमने नंबर 3 में पुट की, और पुट करने के बाद एक जगह 3 और एक जगह 5/2, तो कॉमा डालने के बाद हमने 3 को दिखा दिया कि 3 जैसे हम पुट करेंगे x की जगह 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आया, जैसे हम इसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो करने के बाद 3 2 6 आ गया और 6 3 2 6 नीचे भी आ रहा है, -3 लेस किया तो 3 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 है। तो यहाँ पे y हमारे पास 2 आ चुका है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, और x हमारे पास 3 है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उस जानब जो x की वैल्यू 5/2 थी यहाँ पे भी हमने जब इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट की है 2x/2x-3 में, तो x की जगह 5/2 5/2, लेकिन फायदा ये हुआ है कि यहाँ पे एलसीएम से हम बच चुके हैं क्योंकि ये टू कैंसिल हो गए, यहाँ सिर्फ 5 बचा है और इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 में से 3 लेस करते हैं तो 2, तो 5/2 यानी x भी 5/2 y भी 5/2 दोनों x की जगह x का y की जगह y का आंसर रख दिया जो कि सेम है, तो कोई इशू नहीं है, कोई भी आप लिख दें, लेकिन यहाँ जैसे x का 3 है तो ध्यान रखना है x चूंकि पहले आता है तो पहले लिखेंगे, y बाद में आता तो बाद में लिखेंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, आप यकीनी तौर पे हमारे इस वीडियो से फायदा उठाए, और एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और उम्मीद है कि आप अच्छा समझ चुके होंगे। सर शायद आपसे इजाजत चाहेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।